हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रंजना और आप देख रहे हैं स्टाइल वे। मन को शांत करता हुआ और बेहद ही रिफ्रेशिंग ये मॉर्निंग है मनाली की। मनाली बर्फीली चट्टानों को काटकर बनाया गया ये रास्ता वैसे तो बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है, बट क्या करें, ये जगह इतनी खूबसूरत है कि इसे देखे बिना मन नहीं मानता। ऐसा कौन होगा जिसके दिल में एक बार मनाली जाने की इच्छा ना हो। इसे हिमाचल प्रदेश की जान भी कहा जाता है। इस हिल स्टेशन को हनीमून कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा गया है। तो मेरी आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपनी खूबसूरती का लोहा मनवा चुके इसी हिल स्टेशन के बारे में। तो चलिए जानते हैं वीडियो में आगे मनाली से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। अच्छा हाँ, अभी चल रहा है लॉकडाउन और हो सकता है कुछ और दिनों तक आप कहीं पर घूमने ना जा सके, तो मैंने ट्राई किया है अपने इस वीडियो से कि आप डिजिटली मेरे साथ मनाली का टूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी लोग मास्क का यूज जरूर कर रहे होंगे। अगर आप में से किसी को मास्क बाय करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उस पे 80% तक डिस्काउंट है मास्क पे, तो आप वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। तो जो लोग मनाली पहले जा चुके हैं उनको तो पता ही होगा कि मनाली में घूमने के लिए जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है सोलांग वैली और रोहतांग पास। वैसे तो वहाँ पर घूमने के लिए काफी कुछ है, बट ये मेन है। रोहतांग पास का जो एरिया है वो आपको जून में ही खुलता है। ये वीडियो में जून की ही शूट कर रही हूँ क्योंकि जून में रोहतांग पास पे ही आपको बर्फ देखने को मिलती है। तो सबसे पहले आप अगर अर्ली मॉर्निंग पहुँच गए हैं तब तो आप टेम्पल हडिम्बा देवी और क्लब हाउस कवर कीजिएगा, नहीं तो आप सबसे पहले रेस्ट कीजिएगा उस दिन और नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग निकलिएगा सोलांग वैली के लिए। सोलांग वैली में करने के लिए आपके पास बहुत कुछ है। सबसे पहले आप रोप वे का एंजॉय करना वहाँ मत भूलिएगा। रोप वे से नीचे का व्यू बहुत ही ज़्यादा औसम आता है। इसके साथ साथ सोलांग वैली में आप पैराग्लाइडिंग एंजॉय कर सकते हैं। रोप वे से ऊपर जाकर आप वहाँ की हसीन वादियाँ और प्लस हिमाचल का जो ट्रेडिशनल ड्रेस है उसमें फोटोज भी क्लिक करा सकते हैं। ऊपर आपको खाने पीने के लिए हर एक सुविधा भी है, तो वहाँ पर आप काफ़ी टाइम स्पेंड भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको रोपवे से वापस सोलांग वैली में भेज दिया जाता है। नेक्स्ट डे आप अर्ली मॉर्निंग निकल जाइएगा रोहतांग। रोहतांग पास काफी ऊंचाई पर है, तो मेरी बात ये जरूर मान लीजिएगा कि यहाँ जाने के लिए आप थोड़ा अर्ली ही निकलिएगा, नहीं तो हो सकता है कि जाम में फंस के आपका मजा गिरगिरा हो जाए। रोहतांग पास में जानते हैं कि ये क्या क्या है आपको करने के लिए। सबसे पहले तो रोहतांग पास अगर आप जून में जा रहे हैं तो बर्फ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है, तो बर्फ से खूब खेलिएगा क्योंकि आपको नहीं पता है कि वापस ये पल कब आने वाले हैं। इसके साथ साथ वहाँ पर आप याक पे सवारी कर सकते हैं। बहुत सारे कहते हैं स्नो एक्टिविटीज़ होती हैं, वो कर सकते हैं। बर्फ के साथ फोटोज़ क्लिक करा सकते हैं। आसपास के कुछ टेम्पल्स हैं, आप वो भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ से लौटने के बाद आप पूरी तरह से थक जाएंगे, तो शाम को आप मनाली की मॉल रोड को विजिट कीजिएगा। मॉल रोड पे आपको शॉपिंग करने के लिए काफ़ी कुछ होगा। वहाँ पर आप डिनर इन्जॉय कर सकते हैं। वहाँ के जो फूड्स हैं, जो लोकल फूड्स हैं, उनको इन्जॉय करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो आप वहाँ के फूड ज़रूर इन्जॉय किया कीजिए। एक नया टेस्ट मिलता है और एक नया एक्सपीरियंस होता है। हाँ, मनाली में 4-5 किलोमीटर दूर गर्म हवा के गुब्बारे पर आप सैर भी कर सकते हैं। आपके अपनी पार्टनर के साथ ये एक बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक सैर होती है, तो आप इसको भी इंजॉय ज़रूर कीजिएगा। 1000 रुपीज ही इसका चार्ज होता है। अगर आप मनाली 4-5 दिन के लिए जा रहे हैं तो थर्ड डे आप मणिगरण ज़रूर जाइएगा। मणिगरण पहुंचकर आप वहां के गर्म पानी में स्नान कीजिएगा। ऐसा माना जाता है कि वो स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसके साथ साथ मणिगरण की जो लोकेशन है वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा सीनिक भी वहाँ का बहुत खूबसूरत है। आप बहुत ही खूबसूरत फोटोज़ भी वहाँ की आती हैं, तो बहुत सारी मेमोरीज कलेक्ट कर सकते हैं वहाँ से। इसके अलावा भी मनाली में बहुत सारे पवित्र टेम्पल हैं, जैसे कि हिडिम्बा टेम्पल। हिडिम्बा टेम्पल भीम जी की जो पत्नी थी उनका टेम्पल है, सो आप वहाँ ज़रूर जाइएगा। और उसके जस्ट पीछे जुबली वाटरफॉल है, आप वहाँ पर भी ज़रूर जाइएगा। और हाँ, लौटते हुए अगर आप जिपलाइन से वापस आएंगे तो आपको और भी मज़ा आएगा। इसके साथ साथ जो हिडिम्बा टेम्पल है वो बेहद ही खूबसूरत लोकेशन पे है, तो आप वहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्स भी खिंचवा सकते हैं। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आप क्लब हाउस भी चले जाइएगा। क्लब हाउस में छोटे छोटे कहते हैं बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ हैं और मेनली वहाँ पे बोटिंग है। बड़ों के करने के लिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है,
हाँ, आप वहाँ पे शॉपिंग थोड़ा बहुत कर सकते हैं, प्लस आप फूड वहाँ के एंजॉय कर सकते हैं। बहुत वैरायटी और स्पेशली जो आपके हिमाचल की चीज़ें होती हैं वहाँ पर, उनकी आप शॉपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा मनाली का बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एक टेम्पल है वशिष्ठ टेम्पल। इसके साथ साथ मनु जी का टेम्पल है, आप वशिष्ठ टेम्पल मनु टेम्पल दोनों ही विजिट कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। हाँ, जो आपका वशिष्ठ टेम्पल है वहाँ पर भी आपको गर्म पानी का कुंड मिल जाएगा, वहाँ पर स्नान जरूर कीजिएगा। इसमें नहाने के बाद आपको ऐसा लगता है जैसे आपके शरीर की सारी थकावट दूर हो गई, तो आप ये एक्सपीरियंस भी ज़रूर लीजिएगा। मैंने तो लिया था, मुझे तो काफ़ी पसंद आया। अगर आप हैं एडवेंचर के शौकीन तो मनाली में रिवर राफ्टिंग किए बिना तो आप मानेंगे ही नहीं। ये कुल्लू में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, तो आप कुल्लू पहुँचिएगा और वहाँ पर एक अच्छी सी, कहते हैं जिनके पास सारी सेफ्टी वगैरह हो, उनको आप हायर कीजिएगा, वो आपको बहुत ही खूबसूरत राफ्टिंग की जर्नी कराएंगे। अगर पहुँचने की बात की जाए तो मनाली आने के लिए आपको दिल्ली और चंडीगढ़ दोनों ही जगह से डायरेक्ट बस है। अगर आप लग्जरी बस से भी यहाँ आते हैं तो भी 2000 के अंदर ही आपको किराया आता है बस से। इसके साथ साथ 14-15 घंटे की आपकी ये जर्नी होती है, 14-15 घंटे में आप दिल्ली से, कहते हैं, आराम से मनाली पहुंच सकते हैं। प्राइवेट गाड़ी भी करके आप आ सकते हैं, शायद अप्रॉक्स 18,000 या 19,000 में ये पूरा आपको मनाली कवर करती है और वापस दिल्ली भी ड्रॉप करती है 19,000 to 20,000 में। अच्छा, मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप बस की जर्नी जो करें वो नाइट की करें, ताकि आप मॉर्निंग में कुल्लू पहुँचें और कुल्लू की हसीन वादियों को इंजॉय करते हुए मनाली पहुँचें। सो आई होप कि मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो। मैंने आपको मनाली की और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो मैंने अपनी वीडियो में दी है, तो आप उन वीडियो पे भी विजिट कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।